नमस्ते दोस्तों, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिमाचल सचिवालय के एक ऐसे कमरे की कहानी बताने जा रहे हैं जहां हिमाचल कैबिनेट का कोई भी मंत्री बैठना नहीं चाहता है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल सचिवालय के कमरा नंबर 202 की। ये वो ही कमरा है जहां बैठने से हिमाचल के नए मंत्रियों को डर लग रहा है। आखिर ऐसा कौन सा डर है जो कोई भी मंत्री यहाँ पे बैठना नहीं चाहता है? जी हाँ, इस कमरे का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है, जो भी नया मंत्री आता है उसे यहाँ बैठने से डर लगता है। यही वजह है कि कोई भी मंत्री यहाँ पे बैठना नहीं चाहता है। इतिहास की बात करें तो इस कमरे का इतिहास बेहद ही खतरनाक रहा है। खतरनाक इसलिए क्योंकि इस कमरे में जो भी विधायक बैठा है या जो भी मंत्री बैठा है वो कभी अपना आगामी चुनाव जीत नहीं पाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 1998 में जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो उन्हें भी ये कमरा अलॉट हो हुआ था, मगर साल 2003 में हुए विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता आशा कुमारी को ये कमरा अलॉट हुआ था, मगर एक जमीनी विवाद से जुड़े मामले में उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा था। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा को ये कमरा अलॉट हुआ था, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यहाँ पर कोई बैठा मंत्री विधानसभा चुनाव हार गया हो। इस कमरे में बैठने वाले कई दिग्गज नेता भी चुनाव हार चुके हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल में अभी भी 3 पद खाली हैं। आने वाले समय में ये देखना होगा कि जिन विधायकों को मंत्री बनाया जाता है क्या वो इस कमरे को लेना पसंद करेंगे या किसी अधिकारी को यह कमरा दिया जाएगा।